नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कौशिक, आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेम क्लिप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सभी जाने वाले हैं मल्हार के मेले में। बिलासपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन शहर मल्हार स्थित है। यह मंदिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की है। यह मंदिर एक छोटे से तालाब के तट पर स्थित है। मंदिर के मंडप स्तंभों में बहुत अद्भुत कलाकृति की गई है। वर्तमान में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। दोस्तों चलिए चलते हैं माता के दर्शन करने। मूर्ति काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति है, जिसमें किसी भी भारी धातु को टकराने से आवाज आती है। यह मूर्ति माता पार्वती की कवारी अवस्था की मूर्ति है, जो भगवान शिव को पाने के लिए तप अवस्था में बैठी हुई है। ऐसे तो वर्ष भर दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है, परंतु शिवरात्रि में जो मेला लगता है मल्हार में 15 दिन वो, और दोनों नवरात्र पर्वों में माता जी के मंदिर में विशेष दर्शनार्थियों का आना जाना रहता है और भीड़ रहती है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठ है। इस मंदिर से प्राचीन मूर्तियों को भी अवशेष मिले हैं। मंदिर के निचले भाग को देखने से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में यह मंदिर बहुत सुंदर ही थी। दोस्तों चलिए चलते हैं पतलेश्वर मंदिर। दोस्तों पतलेश्वर मंदिर में जाने गए हैं प्रवेश द्वार। जैसे ही हम आगे चलते हैं, यहाँ पास एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ है, जिसमें यहाँ की जानकारी लिखी हुई है। देवों का देव महादेव के प्रति लोगों की आस्था सदियों से चली आ रही है,
इसका प्रमाण ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों में देख सकते हैं। पतलेश्वर महादेव मंदिर के भूगर्भ में विराजमान है। दोस्तों, पतलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आपको 9 से 10 सीढ़ी नीचे उतरकर आना होगा। यह काले चमकीले पत्थर की गौमुखी आकृति की सीढ़ी है। दोस्तों, पतलेश्वर महादेव को केदारेश्वर महादेव भी कहते हैं। ग्रामीण जनों का मानना है कि शिवलिंग में चढ़ाया जाने वाला जल पताल लोक पे जाता है और इसीलिए इसे पतलेश्वर मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला महाशिवरात्रि से लगभग 15 दिनों तक रहता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं यहाँ के मेले में। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपको? नसीम अली। कहाँ से हो? बिलासपुर। हम भी बिलासपुर से।